नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। जन क्रांति रथ को लेकर के हरियाणा हलका के आधा दर्जन गांव में जाकर जन सभाएं करके लोगों को रैली में पहुंचने का दिया निमंत्रण। कहा, भाजपा सरकार ने हरियाणा में विकास की बजाय पीछे धकेलने का किया है काम। हरियाणा को खुशी, विकास, अमन चैन के रास्ते पर लेकर के जाएं, इसी को लेकर के निकाली जा रही है रथ यात्रा। विकास की पटरी से हटकर आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने का काम किया है भाजपा ने। बोले, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला है। आने वाले 2019 के चुनाव में बदलेंगे प्रदेश की दशा। भाजपा ने युवाओं को लोक लुभावने वायदे करके भटकाया है। आप देख रहे हैं पलपल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से फतेहाबाद के टोहाना में होने वाली जन क्रांति रथ यात्रा रैली को लेकर के रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हलका रानिया के आधा दर्जन गांव में जनसभा को संबोधित कर रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस कार्यक्रम के तहत गांव ओटू में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उनके साथ पूर्व ओएसटी डॉक्टर केवी सिंह, पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व विधायक राम निवास घोड़ेला भी मौजूद थे। सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को विकास की बजाय प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है आरोप लगाया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 22 जुलाई को टोहाना में होने वाली जन क्रांति रैली एक नया इतिहास बनाएगी। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रही जन क्रांति यात्रा से सभी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। इनके नेताओं को सपनों में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं। ये हमारी ताकत नहीं, आप सब यानी कि हरियाणा की 2.5 करोड़ लोगों की ताकत है। सांसद ने कहा कि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन क्रांति यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, सांसद ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथों लेते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि 4 साल के दौरान कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, 4 साल में इस प्रकार सरकार ने क्या किया है कि जिसकी चर्चा की जाए। भाजपा के मंत्री किसानों की बर्बादी पर ढोल धमाका करना छोड़ दें। हुड्डा ने कहा कि झूठे वायदे करके देश और प्रदेश भाजपा ने सत्ता हासिल की और 4 साल बीत जाने के बाद आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया, बल्कि उनके जन विरोधी फैसलों के कारण हर वर्ग में त्राही त्राही मची है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। क्राउड पुनर आप थोड़ी सी आपकी निगाह टेढ़ी होगी ना, वो क्राउड पुनर जो है वो काफी रहते हैं पार्टी में। तो मैं हम ये कहेंगे सेटिस्फाई देगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ तक बीजेपी की बात है, सरकार आपने देखी, ये सरकार खट्टर सरकार 4.5 साल 4.25 साल सरकार को हो गए, 6 महीने के बाद इलेक्शन, बड़े बहुमत के साथ ये सरकार बनी थी। देश में इतना बड़ा बहुमत और हमारे प्रदेश में बीजेपी का पहली बार फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनी, लोगों ने बड़ा विश्वास किया था, बड़े वायदे किए गए, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे किसान के लिए, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ठीक कह रहे भरत सिंह की आमदनी दुगनी हुई नहीं, किसान पे कर दुगना हो गया, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, बहुत बड़े वायदे किए थे, बहुत बड़ा बहुमत इनको मिला था। पहुंचेगी जिसके आगमन पे 22 को टोहाना में बड़ी जनसभा होगी, बड़ी रैली होगी, उसके लिए आज हम निमंत्रण दे रहे हैं रानिया हल्के में, क्योंकि सिरसा संसदीय क्षेत्र में वैसे प्रमुखता से टोहाना और फतेहाबाद जिले का कार्यक्रम है जनक्रांति रथ यात्रा का, मगर पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र की मैं समझता हूँ बढ़ चढ़ के उसमें योगदान रहेगा और भागीदारी रहेगी, और उसी के लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जनक्रांति रथ यात्रा है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य इस हरियाणा के अंदर जो ऐसी नकारात्मक सरकार आई है, नकारा सरकार आई है, जिसने हरियाणा के विकास के पहिए को जाम करने का काम किया है, कोई काम किया नहीं है, केवल हरियाणा को जो है पीछे लेके लोग गए हैं। तो ऐसी सरकार से हरियाणा का छुटकारा दिलाना, दोबारा से हरियाणा को हम सुख शांति, अमन चैन, विकास, खुशहाली के रास्ते पर लेके आए, इस लक्ष्य के साथ हुड्डा साहब चल रहे हैं इस रथ यात्रा में और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सर नहीं, मुझे जो सदस्य बनाया गया उसकी मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष का, उनका अहम रोल रहेगा। ये युवा ही विचलित हुए थे क्योंकि एक बड़ा लोक लुभावने वायदे किए गए थे कि अच्छे दिन होंगे, जबकि
आज जिस आर्थिक गति से देश जा रहा था उसकी कमर तोड़ दी उस अर्थव्यवस्था की। आज देश में आर्थिक मंदी, बुरा हाल, युवा बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया युवाओं को, ना सरकारी नौकरी मिली, ना निजी क्षेत्र में निवेश हुआ। युवा जो आज प्रदेश सरकार के जो है सबसे ज़्यादा युवा इस सरकार से निराश हैं, और युवा ही मैं समझता हूँ 2019 के चुनाव में हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी एक बदलाव लेके आएंगे। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार संतुष्ट हो, और हम लोग हर वर्गों को के मुद्दों को लेकर चलेंगे और हरियाणा को दोबारा से विकास की और भाईचारे की पटरी पर, खुशहाली की पटरी पर लाने का संकल्प करके हम लोग चल रहे हैं।